सोनिया सोनिया, वाकई जब तू इस साड़ी को संभालती हुई आती है ऐसा लगता है कोई जल परी आ रही है। तुम्हारे बाप ने दी थी ये साड़ी? नहीं, तुम्हारी अम्मा मर गई थी, वो देके गई मुझे। नहीं, तेरे बाप ने दी थी, मैं ये कहता हूँ तुझे बहुत खूबसूरत लगती है। जो मेरे बाप का ये इस घर में, तुम जैसे भिखारियों को यहाँ तो इतनी खूबसूरत परी धकेली दी है। परी के साथ कुछ खाने? अब तू बकवास की बातें बंद कर रहे, और ये बता खाना पीना बन गया? खाना पीना? हाँ। अब मैं बनाऊंगी खाना? ना, वो आएंगे बाहर से, नौकरानी मंगाई जाएगी अभी तेरे लिए। खाना पीना कुछ भी नहीं बना है मेरे लिए, सबसे पहले तो सोने के कंगन आने हैं और एक डायमंड का सेट आना है। सपने में? हकीकत में। तुम्हें पता है दीदी के पास कितनी सारी चीजें हैं, जेठ जी उनका कितना ख्याल रखते हैं। मेरी किस्मत फूटी, अच्छा है तलाक दे दो, मैं तो किसी और से शादी कर लूं, घर वाले से। हाँ, तुझे ये बात कहने में शर्म भी नहीं आई कि तू दूसरे के साथ शादी करके जाएगी, अपने इतने खूबसूरत आदमी को छोड़ा? अरे जा, खूबसूरत के मैं घर के अचार डालूंगी, ऐसे फकीर के लिए रहूंगी मैं? फकीर के लिए भाग्य बात है, तू बेकार की बातें क्यों करती है? देख, मैं कोई ना कोई चक्कर ऐसा लगाऊंगा कि मेरी बहू की इन हाथों में, तुम्हें पता है, मोटे मोटे हाथों में, तुम्हें मोटे मोटे, तुम्हारे बाप ने कर दिए मोटे मोटे। अरे सुंदर कह रहा हूँ पागल, मोटे हाथ होते हैं। दीदी ना उस दिन जा रही थी शादी में, हाँ, मुझे दिखा के, हाँ, ये कह रही थी मेरा पति तो सब कुछ लेके आता है, हाँ, अब देख लो मुझे चढ़ाती है वो रास्ते में। क्या कह रही है? हाँ, तुझे चढ़ा रही थी, सोने की चीज दिखा रही थी। देख सुन, मुझसे ज्यादा कमीना मेरा भाई है, और एक नंबर का भारी कंजूस, वो कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं राके दे सकता भाभी को। भाभी माने में क्या करती है, सोने की चीज की जगह वो नकली ले आती है और तुझे दिखा दिखा के चढ़ाती है। मैं बताऊं सही बात, पर मैं अपनी औरत को हकीकत की सोने की चीज पहनाऊंगा। सुन, आज तो तू चली गई होगी घर, तू रोज जाती है मुझे पता है, चुपचाप भाभी से मिलने। अरे मन नहीं लगता घर में। मन नहीं लगता तेरे लिए, मैं वो लगवाऊंगा LED TV। हाँ, और दीदी के घर पे तो है, हमारे घर नहीं है। अरे तो तेरे बाप ने दी नहीं तो होती कहाँ से? अरे बाप ने तो दी थी, लेकिन तुम जैसे कंजूस बेच के खा गए उसे। अरे तो वो मजबूरी में बिक गई थी, अब दोबारा दे देंगे, तेरे बाबा पे कौन सी पैसे की कमी है। और देख सुन, हाँ, जिंदगी भर तुम जैसे कुत्तों के लिए बिस्कुट डालते रहेंगे। मैं कुत्ता हूँ तो फिर तू कौन हुई? इन बातों को छोड़, और देख सुन मेरी बात, अब मैं कोई ना कोई चक्कर ऐसा चलाता हूँ जिससे तेरी सोने की चूड़ी आ सके। पर हाँ, तू दीदी के घर नहीं जाएगी बिल्कुल, और देख ले अगर तू दीदी के घर गई और उनसे कोई बातचीत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है तो चल। और सुनो, आज का खाना मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे हाथ में मोच आ गई, खुद बनाओगे? हाँ मैं बना दूंगा, चल बर्तन भी धो दूंगा, क्यों चिंता कर रही है, धोने पड़े। दीदी, सीमा दीदी। अरे छोटी दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और सब बढ़िया? सब बढ़िया एकदम, तू बता। बस दीदी, बस मैं भी ठीक हूँ, बस ये समझ लो अभी काम से फ्री हुई हूँ। मैं भी तेरी कसम बहुत काम है घर में, बड़ी परेशान हो जाती हूँ, अकेली करते करते थक जाती हूँ। तो दीदी मुझे बुला लिया होता, तेरे घर में इतना काम है, मैं तुझे कहाँ से बुला लूँ। पर कोई नहीं, मैं तो बाद में भी कर लेती। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी मुझे एक काम था। हाँ बता। मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, खत्म हो गया, बिल्ली फैला गई थी रात सारा दूध। तू एक गिलास दूध की कह रही है, तमाम दूध रखा है, अभी ला के दे रही हूँ, और क्या, और थोड़ा चला लियो, खोवा वोवा बना लियो। अच्छा तुम ले आओ, मुझे भी दे देना एक कटोरी। और सुन, थोड़ी सी रबड़ी चला लियो, मेरे पास समय ना मिले मेरे को। मैं चला लूंगी, रबड़ी ज्यादा ना जमाऊंगी दीदी, एक कटोरी दे दी बस। दो कटोरी जमाऊंगी, एक तुम और मैं बस। और बता, तू दूध तो तू ले जाइए, तो कितने दिन बाद तो आई है। दीदी मैं तो ठीक हूँ, पर दीदी अब क्या बताऊँ, मेरा तो बहुत दिमाग खराब है। क्या हुआ, ऐसे क्यों हो रही है? देवर जी है ना, कुछ करते धरते नहीं है बस। अब मेरा दिमाग इतना खराब होता है, मैं कह रही हूँ ना, तुम फिर ये कहोगे कि देवर जी के बारे में। तू देवर जी की बात मत कर, तू अपने जेठ जी की भी बात कर। देख तेरे जेठ जी ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है, सारे दिन घूमना फिरना, पत्ते खेलना, इधर उधर बैठना, और बस मैं बता नहीं सकती तुझे मैं कितने अवगुण बन रहे हैं। बताओ, इन लोगों को अपना घर दिखाई नहीं देता दीदी, ये जिंदगी में क्या करेंगे? अभी तो ये कह लो कि हमारे बच्चे नहीं है, हैं? अरे बच्चे हो जाएंगे, ये बच्चों के लिए भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुझे मुझे तो करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं करने वाले, ये आदमी बिगड़ गए हैं, इनको ना लगाम खींच के रखा कर देवर जी की। मेरा अब मैं कैसे खींचे, और ज्यादा कहूँ तो ऊपर खाने को दौड़ते हैं।
मैं तो सही कह रहा हूँ, मैंने कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म ही किए होंगे जो ऐसा आदमी मिला। तू बिल्कुल सही कह रही है, दोनों भाई डिटू एक दूसरे पे गए हैं। एक बात बताओ, हम लोगों को इस घर में शादी करके आना ही नहीं चाहिए था। माँ बाप ना है ना, माँ बाप थे ना, उन्होंने डाल दिया कचरे के पेटी में कि जाओ बेटा लड़के मिल गए सुंदर सुंदर, लेकिन घर मकान कुछ नहीं देखा आगे कि पैसा है या नहीं है। यहाँ आके हम और बस गए, इनकी भैंस का पोहे का दूध लाओ कि ये लाओ वो लाओ, बस यही काम रह गया। इतना दिमाग खराब होता है ना मेरा, तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। मैं भी परेशान हूँ छोटी, देख तू परेशान हो रही है, तुझसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। है तो उन्हीं के भाई हैं, क्या करा जाए, दोनों एक ही तालमेल एक साथ दोनों। अच्छा दीदी मैं ये कह रही थी, अब मैं क्या करूँ। चलो ठीक है, तुम मुझे एक काम करो, थोड़ा दूध ला के दे दो। चल मैं अभी दूध ला रही हूँ तेरे लिए, परेशान मत हो। दीदी सफाई तो बहुत रखती है घर में, वैसे एक बात तो है मेरी तरह। ले छोटी। ओ दीदी पूरी क्या ले आई तुम? मैंने तुझसे कहा ना थोड़ा सा खोबा बना लियो, मुझे दे दियो एक कटोरी, और रबड़ी चला लियो तो एक कटोरी मुझे भिजवा दियो। और तू ना कर ले दूध का, मैं तेरा दूध हो रहा है, भैंस तमाम दूध दे रही है। दीदी अगर जेठ जी को पता चल गया तो? ए, तेरी जेठ जी की ऐसी तैसी, मेरा क्या करेंगे तेरे जेठ जी, मैं कह दूंगी बिल्ली फैला गई, तुझसे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा दूध मेरे लिए। अब तुम्हें पता है मोहल्ले वाले हमें देख देख के इसीलिए चले जाते हैं, दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। कितना? अरे ये मत कहे, कल परसों ना वो पड़ोसन थी ना वो तेरी वाली, वो भी कह रही थी मेरे से, अरे यार तुम तो अपनी दौरानी के लिए मरी जाती हो। मेरी दौरानी मेरे लिए मरी जाती है तभी तो करती हूँ मैं। अब तुम्हें पता है दीदी हमारी सासू माँ तो है नहीं, अभी करवा चौथ निकली ना, मैं तुम्हारे लिए 2000 रुपए की साड़ी जो लेके आई थी, अब मैंने तुम्हें पता है कितना सारा सामान दिया, सामान दिया देख देख के ना जलने वालों की आग लग गई, दिल जल गया। और सुन सुन वो आई थी कौन? और कौन वो यहाँ इकलौती ननद जी, वो तेरी साड़ी तूने मुझे दी थी ना उसको देख देख के फूकी ही जा रही। और छोटी वाली भाभी ने इतनी सुंदर साड़ी दी है, आज तक मुझे तो दी नहीं है, बता उनको और दो। क्या साड़ी? हाँ दीदी तुम कैसी बात कर रही हो, मेरे दरवाजे पे भी आई थी, ज्यादा कर रही थी ना, तो मैंने तो 5 का सिक्का पकड़ा दिया, मैंने अब जाओ धक्के दे दिया मैंने। सही है, दोनों भाई तो कुछ करते नहीं है, बहन तीसरे दिन आके आ जाती है, और तू दूध ले जा, जा जल्दी से काम। दीदी अपना ध्यान रखना, खाती पीती रहा करो। बिल्कुल बिल्कुल, तू चिंता ना कर। बाय दीदी। बाय। अरे कांगे बनवारी भैया, कांगे बनवारी भैया, क्यों चीख रहे हो? राम नाम। ठीक है जो भी है, लेकिन चिल्लाया करो मत, यहाँ कोई बहरा नहीं है। ऐसा है बहरा नहीं है, अकड़ के मत आओ मुझ पे। क्यों क्या करोगे? मैं कोई तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ, बल्कि तुम कर्जदार हो मेरे। ओ तुम ही तो हमें पाल रहे हो, तुम ही ने तो हमने पैदा किया है। सही समझी, बिल्कुल मैंने ही पाला है तुम्हें। अरे जाओ तुम, जो तुम खुद तो पल लो पहले। क्या पल लू? क्या पल लू? क्या पलना है मुझे? अरे ये करके क्या दिखाते हो? अरे बॉडी जोड़ी है, हम खुद पले हुए हैं। अरे तो ये बॉडी हमको मत दिखाओ। मेरी बात सुनो, बात पे आओ पहले। देखो ये तुम्हारे जो कौन है पतिदेव है ना? हाँ मेरे हस्बैंड। कौन से बैंड? हस्बैंड। पहले मुझे बताओ होंगे हस के बैंड, मुझे ये बताओ कि ये है कहाँ? पहले बनवारी भैया वो नहीं है यहाँ पे है? वो है नहीं। ऐसा है, वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए। आहा, बिजनेस के लिए तो बड़े बड़े कुआ खोद रहे हैं तुम्हारे। कुआ खुदे नहीं है, खुद जाएंगे। चुप रहा करो ठीक है। बनवारी भैया मुझसे मेरी बकरिया लेके आए थे 6, और मुझसे कह के लेके आए थे कि मैं इनके डींगर मार दूंगा। बकरिया के? और क्या? बकरियों के डींगर मार? डींगर होते हैं, तुम्हारे भी तो हुए होंगे बालों में। ए हाथ मत लगाओ। तो हुए नहीं। मैंने आज ही कंडीशनर किया। कुछ भी किया सही करने, हम नहीं जानते, हम जानते हम पोता मट्टी से धोते हैं हम अपने बाल। अब सुनो हमारी बात, हमारी बकरिया चाहिए मुझे, और उन्हें वो डींगर मारने के लिए लेके आए थे। मेरी बकरिया नहीं दिख रही, कहां है बकरिया मेरी? कौन सी बकरिया है? किस बकरिया की बात कर रहे हो? मेरी बकरिया? तुम खुद एक बकरे हो, तुम दूसरी बकरी हो, क्या बात करोगे? और हाँ सुनो, यहाँ से जिस पाँव से आए हो उन्हीं पाँव से वापस हो जाओ, ना जाओ वरना पैरों से आए हो मगर पैरों के जाना पड़ेगा। ऐसा है, ये अपनी ताना चाना अपने पास रखा करो। अच्छा अगर तुम में ज्यादा दम है ना तो हमें भी थोड़ा बहुत है। अरे कुछ नहीं है तुम में तो, और ऐसा ऐसे निकलो, बकरिया कोई और ले जाए, नाम तो मेरे पति का लगाओ। देख रहे हो बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं, बहुत गलत आदमी से पंगा ले रही हो तुम। अच्छा नाक में नकेल डाल देता हूँ। तुम मेरे आदमी से भी ज्यादा खतरनाक हो? तुम्हारा आदमी? हाँ तुम्हारा आदमी ये समझ लो कि एक कुत्ता ही पूछ है वो। आप सुन लो वो कैसे खतरनाक है, आप सुन लो। सुनाओ। अड़ती जा रही थी। अच्छा रास्ते में ठीक है, कांधा लगाने के लिए कम पड़ गया था, अब उसकी जरूरत पड़ गई मेरे पति की, उस पे से भी 200 रुपए ले लिए कांधा लगाने के लिए, कि जब लूंगा। और अच्छी बात है, ठीक है टटुआ है वो। अर्थी पे कौन कंधा लगाने के 200 रुपए लेता है? ले लिए उसने, उसने ले लिए। वो राम का नाम, सही है राम नाम सत्य है ये है। एक बार तुम्हारी
नहीं मानोगे तुम? निकलो चलो, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, बता रहा हूँ। और बनवारी भैया आया तो कह देना उनसे, निकल लो यहाँ से। सुक्का आया था, अरे निकल लो, उन्हें डंडा और पार कर दूंगी तुम्हारे। चलो हाँ भाई बुद्धा, कहा बात है सुक्का? बात ये है, एक बात बोला, तेरा भैया कहाँ है बनवारी? मेरो? हाँ घर पे होगो। अरे तेरे तेरा भैया घर पे है? आ रहा हूँ मैं, सुनना है नहीं तो फिर क्या करूं? ऐसा है, तुम दोनों भैया सुधर जाओ, नहीं डंडों से मार मार के मारे लठिया से तुम्हारी कमर लाल कर दूंगा। तो भाई डंडा हम पे ना है, एक मार दो ना पूरे गांव में तेरे गज जाओ। एक बात बताओ, रहने की भी ना सोचो गांव में। मेरी बात सुन। हाँ। तेरा भैया जो है मुझसे बकरिया लेके आया। बकरिया? हाँ काहे को? बकरिया लेके आया ये कह के कि मैं इनके डिंगर मिन दूंगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने उसको बकरिया दे दी छह डिंगर और क्या। तेरा भैया बनवारी ये कह रहा था कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जाते के मैं उनके ऊपर डाल दूंगा तो वो डिंगर मर जाएंगे, स्ट्रॉबेरी बकरी के डिंगर मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। क्या बात है? लेकिन एक बात सुन ले मेरी, वो बनवारी घर पे नहीं है और मेरी बकरिया चार पांच दिनों से मेरे पास नहीं पहुंची है। मैं बता रहा हूँ। कौन? क्या अरे हम पे कई चीज की कमी है यार। कमी तो तुम ऐसे तुम खा के वो ए, पूरे गांव में नाम है हमारो, कई चीज की कमी है भाई। अरे तू बकरी को नाम लगा रहा? फिर चलो यार, सारे यार लट्टन के बाद सीधा कर दूंगा। फिर भिगमंगा 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 नहीं यार यहाँ पे। अरे भगवान, ओ भगवान, अरे कहाँ रह गई? हाँ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग खराब है। अब क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हो गया ना नबु चक कायगू है ये सब? हाँ तो बताओ। वो छोटो वो सुक्का मिलो मिलने भी रस्ता में, तो हमारा छोटो बाकी बकरिया ले आओ, नो करोगे भैया वो डिंगर बीनने वाके। मैं बड़ी परेशान हूँ तुम्हारे भैया से, मैं तो तुमसे भी परेशान हूँ। भैया से क्या परेशान है? दिन भर उल्टी सीधी जगह बैठे रहते हैं। अब बैठो गांव में, घूमूंगा ना गांव में, घूमने को काम है। तो अब वो तुम्हारे छोटे भैया की शिकायत कर गए तो तुम्हारा क्या मतलब है उसमें? अरे तो नाक तो हमारी कट रही है, बदनामी तो हमारी है। काई की बदनामी है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बताओ बकरी लेके आए तो बकरी देके क्यों ना आए उनकी? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ बकरी डिंगर भी नहीं लाओ, डिंगर को भी नहीं आएंगे बकरी के। नए नए फार्मूला निकाले हैं तुम्हारे भैया, वही काम करें। और सुनो, अब आ गए हो तो पत्ता में सी आई होगी, कमाई करने तो गए ना होगे? पत्ता ना गिरता मैं गंदी बात नहीं, मुझे पता ना खेलने ना, लगे ना, ना, और मेरी बात सुनो, देखो आज मैंने छोटी वाली को देखा। अच्छा देखो मेरे को ना उसके गले, उसके वो गले में पहन रही है ऐसा हार चाहिए मुझे, लाके दो। तो देखो दो दो बड़े हैं, मेरे को ये ना चाहिए, मेरे उस जैसा चाहिए, छोटी वाली जैसा। तो बाको कितना बड़ा बता, अभी ले आएंगे हम पे, अभी ले आएंगे, पहले भी कभी लाके दिए, अब मैं क्या रही हूँ तो ले आएंगे। तेरे पापा ने देना, तेरी कमी है हमारी कमी है। ओ मेरा, मेरे पापा ही तो दंगे इस घर में सब चीज, मेरे को दे दियो तुम्हारे जैसे आदमी को, और खा लोगे तुम? तो मतलब अम्मे अगर तू चाहिए हमने दहेज मांगो, तू धुना मांगो। ओ दहेज मांगो तो रोटी कौन बनाता? अजी खा जाओ सुबह सुबह गरम गरम, रोटी लेके चले जाओ जुआ खेलने के लिए। बन जाएंगी रोटी, रोटी की चिंता बन जाएंगी ना बन जाएंगी, मेरे को ना मालूम। और तुम्हें बताओगी तुम्हारा भैया ढूंढ लाओ और आओ ना तो सुनार को पैसा दिए। ले भाई जी बड़ी लूट डाल लिए तू, और कहा अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? 50-60 हजार पागो। देखो मेरे को ना मालूम, कुछ भी करो। अरे निरो मोटो पेन नहीं होगी वो तो। देखो भैंस बेचो, खेत बेचो, अपने आप को बेचो। ऐसी ऐसी बात कर, मेरे को ना मालूम, मैं जा रही हूँ अंदर, और मैं ना खाना भी ना बनाऊंगी, चाय भी ना बनाऊंगी, दूध भी ना दूंगी। खानो बना दे, और एक भी भैंस का काम ना करूंगी। पहले मेरा बस एक कप चाय पिला दे, तेरा भी काम कर लाऊंगा मैं। चलो तो चल, तुम का मानोगे? बिल्कुल ना मानूंगा। चल भाग्यवान, भाग्यवान बोलिए। ऐसे गुस्से में क्यों आती है? मैं इतने प्यार से भाग्यवान कह रहा हूँ और तू गुस्से में आ रही है। क्योंकि तुम काम ही ऐसे करते हो तो, और क्या तुम्हारी आरती उतारूं? आरती उतारने लायक एक भी काम नहीं किया। अब मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? हाँ तुम जिंदगी भर करते ही आए हो। तो मैंने कोई बात काम भी तो किया हो, काम तो बता मैंने ऐसे क्या कर दिया। वो क्या नाम है उसका, सुक्का जो है, तुम उसकी वो लेके आए थे बकरिया? हाँ है क्या? उसकी जू खत्म करवा दूंगा मैं। अरे जू ही खत्म करने के लिए लाया था, मुझे क्या पता थी कि जू की दवाई डालूंगा और बकरिया एक दूसरे को चाट के खुद ही खत्म हो जाएंगी। हाँ एक दूसरे को चाट के? हाँ मैंने दवाई डाली सब बकरियों पे, अब वो एक दूसरे को चाट रही थी, उनके जलन हो रही होगी, एक दूसरे को चाट चाट के अपना दर्द मिटा रही थी, वो छह होगी छह मर गई। हाँ सच बोल रहे हो ना? सच बोल रहे हो? तुझे पता है कि मैं कैसा हूँ? वो तो मुझे पता है। ऐसा था, ये है बात सब पब्लिक के लिए, पब्लिक की दिमाग में हमें अच्छा रहना है निगाह के अंदर। लेकिन ऐसा था कि बकरिया उसने दी, अब वो बकरिया मैंने बेच के, और ये तेरे कानों में जो तूने झुमके पहन रखे, कहाँ से आए? वहीं से आए झुमके हैं, ये बकरिया तू कान में पहन रही है। अच्छा हाँ
नहीं तो झुमके दे देना पकड़िए लौटा आऊंगा उसकी। नहीं नहीं मेरे कान नंगे हो जाएंगे फिर। हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है जो भी किया, लेकिन वो तो कर्जा करने लिए आ रहा था यहाँ पे। वो नहीं आएगा उसकी तो मैं सुन तू बेबी कर रहे है उसकी तो मैं टांगे चटका दूंगा, वो मुझ पे से लेके से आएगा, मैं तो उसे बंदो करा दूंगा कि मुझे वो क्या कहते हैं बीमार पकड़ लिया पकड़ा दी उसने। और तुम्हें पता इतनी बुरी तरह से करके गया, इतनी बुरी तरह से करके गया, मैं क्या बताऊं। चल छोड़ तू काहे को अपने मुंह को बुरी तरह कर रही है, तू आराम से कुछ बढ़िया सा बना ले, तेरे लिए रसगुल्ले लेके आया हूं बाहर रखे हैं आंगन में। तो ले आओ जाओ लेके आ रहा हूं, कुछ बना के रखियो पर। कुछ नहीं बना। अरे राम अरे नेताजी मिल गए। खड़ा हो जा तू यहां पे, आज तेरी खड़ा हो गया ना हाथ पे जोड़े बना बनवारी देख मेरी खोपड़िया है बननाई हुई। तो फिर मैं क्या करूं? नहीं मैं बता रहा हूं तुझे आज जान से मार दूंगा मैं। हाथ भी लगा के देखियो। हाथ भी लगा मेरी बकरिया दे पहले तू। बकरिया मैं उसी के चक्कर में तो जा रहा था। क्या क्या थाने? थाने क्यों जा रहा था भाई? तेरे नाम से रिपोर्ट कराने। बनवारी भैया क्यों जा रहे हो थाने? अरे मेरी बात सुन, तूने मुझे हराम घोर तूने मुझे कैसी बकरी दी पहले तो ये बता है कैसी बकरी दी? मैं तुझसे कह रहा था बकरिया मैं जू मारने के लिए तेरी बकरी ले गया, उन्होंने मैंने अच्छी दवाई डाली, उन्हें जू मारने के चक्कर में मेरी बकरी और मर गई। कौन से जू पाले तूने अपनी बकरी के अंदर? मैंने एक ही जू देखे जो औरतों के पड़ते बस वही जू देखे। ऐसा था मैं तेरी बकरिया ले गया तुझ पे से कि इनके जू मार लाऊंगा। बिल्कुल उनके चक्कर में मैंने अपनी उन बकरियों को जैसे ही मैंने वो दवाई डाली वो उनके जू उतर के मेरी बकरियों पर चढ़ गई, मेरी बकरियां खत्म हो गई और तेरी बकरियां खुद ही मर गई। हाँ मेरी बकरियां खुद मर गई बनवारी। हाँ देख देखा मुझे इस बात में झूठ लगता है और मुझे तो उल्लू मत बना। उल्लू नहीं बना रहा ऐसा उल्लू मत बना मेरी बात तो सुन। ठीक है टटुआ नीचे कर हाथ पहले। उल्लू मत बना मैं उल्लू बना रहा हूँ तो चल थाने थाने ले चल। तो ये थाने तो मैं ले जाऊंगा तुझे थाने। हाँ मुझे ले आएगा थाने और दरोगा जी से शिकायत करूंगा कि इसने मेरी बकरिया ले गया था जू निकालने के लिए। मेरी बात सुन ऐसा था मैं तेरी बकरिया जू के लिए ले गया था, मैंने उनकी दवाई डाली, ऐसा था वो दवाई थी जलन वाली। अच्छा तो वो दवाई से जलन हो रही तो बकरिया उन्होंने आपस में बात कर ली होगी मैं अब उन्होंने क्या किया एक दूसरे का बदन चाट लिया आराम देने के लिए। चाट लिया? हाँ क्योंकि ऐसा ना ठंडक पड़ती है ना चाटने से पानी लगा तुम जैसे कुछ जल रहे हो। अच्छा जले पे पानी छिड़को तो ठंडक नहीं पड़ जाती, वो एक दूसरे को चाट के ठंडा कर रही मतलब एक दूसरे खाल को चाट रही। हाँ चाट रही नहीं ठंडा कर रही थी। अच्छा ठंडा करने के चक्कर में ऊपर सुधार ऊपर पर लोग सुधार गई ठंडे की जगह गर्म हो गई महंगी मई बॉडी पूरी ठंडी पड़ गई। अब मैं तो ये भाई पहुंचाता हूँ तुझे मैं भाई पहुंचाता हूँ। देख मुझसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है बकरिया तो अपनी चली गई। अरे तो मेरे पैसे दे दे अब बकरिया गई तो कहाँ से दे दू? मैंने क्या कोई ठेका ले रखा था तूने क्यों भेजी? तेरी गलती है तू क्यों मरवा रहा था उनके जू तू खुद ही मार लेता। तो बनवारी तूने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे क्या पता मैं इसलिए नहीं बताया मैंने कि कहीं अफसोस में खुद ना मर जाए। अब घर पे आकर रोइयो अपने मुझसे फालतू की बात मत करियो। बनवारी ने खोपड़िया खराब कर दी मेरी। भाभी राम 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 भैया राम राम कहाँ से आ रही थे? घर से ही आऊंगी और कहाँ से आऊंगी? भाभी देखो मेरा दिमाग टेंशन में आज बहुत ज्यादा खराब। वो तो वैसे भी तुम्हारे चेहरे से छलक रही है टेंशन। बात समझा मेरी बात? हाँ बताओ। तुम्हारे देवर की वजह से तुम्हारे देवर ने कांड कर दिया मेरे साथ बहुत बुरा। अब मेरे देवर ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? देखो एक बात बताओ अगर तुम मुझे कोई चीज दे दियो। अच्छा चलो तुम्हारे ये गले का मंगलसूत्र है अगर तुमने कहा कि बेटा इसे साफ कर दो तो मैं साफ करवा के देके जाऊंगा नहीं जाऊंगा? तुझे मंगलसूत्र की तरफ नजर क्यों कर रहे हो? जो बात है उसे करो ना। सोने का ना इसलिए। और मेरी बात सुन लो पहले। हाँ, मेरे पास बकरिया थी छह। ठीक है भाभी छह बकरिया नहीं अब छह बकरिया पर गए जू जुआ पर गए उनके। अब ये बनवारी भाई साहब मेरे घर के पास से जा रहे थे गुजर के इनने देखा इनने कहा कि मैं खत्म कर दूंगा जुआ। मैंने कितने ले जाओ मैंने उस दिन इनको वो बकरिया दे दी और ये घर ले आए और आज 7-8 दिन हो गए मेरी बकरियां मेरे पास नहीं आई। वैसे ना तुम्हारा नाम सही रखा है सुक्का तुम सुक्का जैसे ही हो। अरे ना मैंने कौन सा पी रखो हुक्का हुक्का ना तुम सुक्का ही हो सुक्का जैसे ही हो। तुम्हें ये बताओ तुम्हारी बकरियां के जुआ तुम पे ना मरे जो तुमने हमारे देवर को दे दी तुम्हें मालूम ना है वो कैसे है? मोना मालूमी वो जो कह रहा हूँ कि मैंने दवाई डाली और दवाई डालने के बाद कौन सी पर गई तो वो एक दूसरे को चाट रही और सुनो उनकी बातन में मत आ करो वो तो तुम्हें भी खड़े खड़े बेच देंगे। तो भाभी मैं तो कर रहा हूँ नीलाम करवा दूंगा तुम पे कुछ ना होगा क्या? हाँ यही तो गलत फहमी है। तुम देखो जाओ तुम देवर की बात देवर से करियो मेरे से मत करो। तुम्हारा तो गाँव में खानदान हो ना तुम बच्चे तो ना लोगी तुम तो खुद ही ऐसे हो। ए, जाओ तुम काम जा रहे आए हैं देवर की शिकायत लेके पहले तो उल्टे सीधे काम करा लो। दीदी अरे दीदी मुझे लग रहा घर पर नहीं है। दीदी छोटी कैसी आवाज आ रही है? अरे
छोटी कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी बस है? मैं भी ठीक हूँ दीदी। कितने दिन बाद आई है, ऐसी कौन सी कमाई कर रही थी तो दीदी से मिलने का समय नहीं मिला तुझे? अरे दीदी अब बस ये समझ लो कि घर में काम ही इतने। तो बड़ी सुंदर सी लग रही है। ओ ये अभी बनवाए क्या? तुम्हारे देवर बनवा के लाए थे। अच्छा हाँ। देवर बनवा के? देवर तो काम हम तो करते रहेंगे, कहाँ से बनवा लिए? वो भी सोने के। बड़ी मुश्किल से बनवाए दीदी, पिछली बार तो मेरे बेक के खा गए थे। वही तो कह रही हूँ, वो तो कुछ करते भी नहीं। मैं तुम्हें पता लो औरतें तरह तरह। अच्छा, की अच्छा ये बता दे उनपे पैसे कहाँ से आ गए इतने महंगे? देखिए एक तोले के तो हैं कम से कम। अरे तुम्हें पता है कि टोपी पहनाते रहते हैं सबको। हाँ वो तो मुझे पता है कि बनवा लाए। सच्ची सच्ची बता देना। सच बताऊं? मैं बताऊं कैसे बने थे ये मेरे? पता तुम्हें पता है कि जो वो है ना उसका नाम जो सुक्का वो हाँ, सूखा सा जो है। सही बता रहा हूँ, नाम जैसा ही नाम है जैसे उसका काम है। अब तुम्हें पता है उसने अपनी बकरियां दी थी तींगर मारने के लिए। आए हाए। और ये ले आए और मुझे तो ऐसा लग रहा उसकी बकरिया का काम कर दिया इन्होंने। ए, चल ठीक है, है और इसी लायक है, कोई बात नहीं है, तेरे तो कान सुंदर लग। अब मुझे तो कहीं से भी कुछ भी करो लेकिन कुल मिला के बात ये मेरे लिए चीज तो आ गई ना। चिंता मत कर, मैं भी तेरे जेठ से आज ही कहूंगी। हाँ, कह देना तुम भी, देख कितने पुराने हो गए। दीदी फिर अब समय हो गया। अच्छा तू ये बता तू किस किसी काम से आई थी क्या? अब दीदी मुझे एक कटोरी चीनी चाहिए। मैं कटोरी भी नहीं लेके आई। कोई बात नहीं मैं दे देती हूँ तुझे, डब्बा दे दूँ, चल अंदर ही चलना। अच्छा। मैं दे दूंगी, आजा। अरे छोटे, अरे छोटे, मैं देखूंगा आज जाना बड़ा नाक मालूम कर लो मेरी। नमस्ते जेठ जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, छोटा कहाँ है? जेठ जी वो तो है नहीं यहाँ पे। कहाँ गए हुए? अब पता नहीं मुझे क्या बता के जाते हैं कहाँ गए। वो आज से 2 साल पहले बैंक से लोन ले आओ। लोन? हाँ, और आज कचहरी थी मेरे नाम वारंट आए हैं काम में। जेठ जी मुझे तो इस बात के बारे में पता भी नहीं है, अगर मुझे पता होती तो। अरे तो है मैं हूँ ना, पता हो जाए बात की तो। अब पता होती तो मैं जब ही गट्टे तोड़ दे तो अरे लेके गए हुआ लोन। अब पता नहीं जेठ जी क्या खुरापात कर। एक दो की ना ले गया, 10 लाख की लोन लेके आओ है। अब पता नहीं जेठ जी, मुझे तो पता नहीं, आ जाएंगे तो मैं बोल दूंगी। ठीक है आ जाए तो बोल दूंगी, बाहर चौक पे बैठा हूँ। ठीक है भेजो जाए मेरे पास। ठीक जाइए देखूंगा आज। अरे भगवान, ओ भगवान, क्यों परेशान हो? बड़ी टेंशन, परेशान हो गया, पूरा दिमाग खराब है गोए। अब क्या हो गया? वो छोटो है अपनो, वो मेरे खेत पे 10 लाख किलो लिया बैंक दे। हे भगवान, अब ना लाए भाई से ना बहुत दुखी हो गई हूँ। अब ना लाया, आज से 2 साल पहले लाए हुआ है। तुम्हारे नाम से उठाया है? मेरे नाम से उठाया है। अब कहाँ है ये वारंट आके मेरे नाम काम में? भाग्यवान? अरे भाग्यवान कहाँ है भाई? बोलो क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, अपनी किस्मत पर रो रही थी। क्यों रो? इसलिए रही थी कि या तो भगवान तुम्हें उठा ले, पर मुझे तो उठाए नहीं। मैं उठ गया ना तो ये समझ ले दुनिया बहुत बेकार है। क्या बेकार है? तेरी शकल भी नहीं देखेगा कोई, वो तो मैं हूँ जो तुझे रख रहा हूँ इतनी आलीशान तरीके से। अच्छा हाँ। अरे जाओ, मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत होती है इस गांव में, वरना तुम बात बता घुर रहा है तो मत बात बता। क्यों तू चिल्ला क्यों रही है? तुम्हारे ऊपर चिल्ला इसलिए रही हूँ, ये बताओ कि ऐसे काम क्यों करते हो तुम? ऐसे काम? हाँ। अब क्या कर दिया मैंने? तो अब तो कुछ किया भी नहीं है। तुम्हें पता जेठ जी आए थे घर पे, तुमने उनके ही खेत पे लोन लेके, लोन ले रखा तुमने? लोन ले रखा? हाँ। कौन कह रहा था? और उस पैसे का करा क्या तुमने? चलो लोन लिया तो लिया। हाँ। लेकिन वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा देख मैं बताऊँ कहाँ गया। हाँ। लोन तो मैंने लिया था, 10 लाख का लिया था। ये मकान में तू बने में खड़ी है ये उसी पैसे का मकान है। वॉशिंग मशीन चला रही है, फ्रिज की हवा, वो एसी की हवा खा रही है और फ्रिज को खोल खोल के आइसक्रीम खा रही है, तो वो कहाँ से आ रहा है ये सब? वो 10 लाख ही है। अच्छा हाँ, उसमें क्या? हाँ तो ठीक है, फिर कोई बात भारी भारी है तू भी वैसे भारी, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। हाँ अब चलो कोई बात नहीं, आने दो। आजा। अरे छोटे, ओ छोटे। राम राम भैया। राम राम, तुम कैसे? चलिए चाय चाय बना। चाय ना, चाय कोई ना पी रहे यहाँ पे। क्या करतूत कर रहा है तू इस टाइम? अब मैंने क्या कर दिया भैया? मेरे नाम वारंटाई हुए 10 लाख। तू 10 लाख लोन लेके आया मेरे खेत पे? हाँ आज से 2 साल पहले। पैसे भरो।
तूने मेरे को बताया? भाभी मुझ पे नहीं है। दीदी देख लो, तुम ऐसी बातें कर रही हो, देखना हमारे पास अपने हो गया ऐसी बात कर। और भैया एक बात बताओ, अगर मैं लोन लेता 10 लाख की तो तुम्हें दिखाई नहीं देती? एक किसी और ने ले ली होगी। अरे आज से 2 साल पहले की तूने मेरे को बताया? अरे मुझे खुद नहीं पता तो मैं तुम्हें कहां से बताऊंगा? छोटी देख, तुझे मैं मुझ में बहुत प्यार है और अब इनकी वजह से तेरा मेरा प्यार खत्म हो जाएगा। धंधे खत्म हो जाएगा तो ये मतलब बताइए, आप ही सोचिए, एक बात बताओ, एग्जाम लगा रहे ये इल्जाम है करतूत करिए करिए। बड़े भैया एक बात बता, बोल तुम पे कुछ सबूत है? मैंने 10 लाख लिया, सबूत है? नाम है तो जिसका नाम है वही जाएगा जेल में, थोड़ी जाऊंगा जेल। 10 लाख तो तुमने रख लिए ना, सिग्नेचर तो तेरे हो। अब तो सही कह रहे हो, मैं तुमसे लड़ने के मूड में हूं। अरे लड़ना का तू बेजा रहे हो, मेरे पास नहीं है कोई पैसा, मुझ पर नहीं है कोई पैसा। मैं तुम्हारे सामने बोल लेना चाह रही हूं, हमारे पास कोई पैसा ना है। बोल भी रही है और बोलना भी ना चाह रही है। तुम बुलवा रहे हो, बुलवा रहे हो। तुम लोग ना, तुम जैसा बेईमान नहीं देखा मैंने कोई, और तुम तो सबसे बड़े चोर हो, चक्के हो, बेईमान हो। ईमानदारी तो तुम लोगों के अंदर फूट के भरी हुई है। हम बेईमान है, आज हम बेईमान हो गए। बेईमान हो तो देवर दे देवरानी की, अब बेईमान हो गए। किसी का मार के बैठोगे तो देखो, मैं नहीं करूंगा तुमसे बहस। और ना भैया मैं तुमसे बहस कर रहा, ऐसा है खेत रह गया, खेत कर दो हमारा। सुनो, चुप हो जाओ पहले। सुनो जी, खेत में से इतना सा हिस्सा मत देना। सुनो जी, मेरे 10 लाख दे दे तू, मैं जब चेंज करूंगा। अरे मुझे चाहिए, देखो चलो, खेत में से चाहिए, खेत में तो पिताजी का नाम है, खेत दोनों के नाम है। अरे कुछ अरे यार, खेत ना लूंगा दिल्ले। राजा भैया कैसे कुछ भैया सुक्का, अरे अल्लाह माता बता, तू मेरा बढ़िया दोस्त है। हां मेरा बढ़िया दोस्त है, मैंने तेरी बकरी का दोस्त ले लिया। मुझे बताओ, मैंने तेरी बकरियों के झुमा दे, अब ये मुझे मानने आए? तू लाख का लोन ले लिया है, 10 लाख रुपए, हां 2 साल पहले 10 लाख का लोन लेकर बैठे और भर नहीं रहे, भर नहीं रहे। अब ये एग्जाम लगा रहे मेरे पति पे, क्यों ये चप्पल है यार? मेरे तो आदमी के वारंट आने वाले, पुलिस ले जाएगी, इसकी क्या है? अभी बोल लीजियो। और सुनो मेरी बात, देखो एक बात बताऊं, इसने मुझे नहीं बख्शा तो बख्शेगा तुम्हें भी नहीं, इसलिए मेरा तो रहा है। सुक्का तू ज्यादा मत बोले, मेरे लिए 10 लाख लेने दे। एक मिनट सुनो जी, मैं इतनी जमीन ना दूंगा। फिर जी सुनो, तुम्हारी कौन सी बहू लेके भाग गई है? बकरिया लेके तो भाग गई उनकी। मेरी बकरिया, मेरी बकरिया, ये तो बिल्कुल ऐसी है औरत के ऐसे ना मुंह लग रहा बेकार है। सुनो जी देख लो, ऐसा जी हमारी बेइज्जती बहुत हो गई है, अब ऐसा मैं जा रही हूं कपड़े फाड़ के धो दे। हां ठीक है ना, अब जा रही हूं इन सब पे, है ना? अरे बहू आओ बताओ, चलो जी तुम देखो, तुम्हारी कसम जी अब मैं जा रही हूं थाने, यही छोड़ो। हां तो ये नंद बनाई भगवान, मेरी बहू के कपड़ों पे तूने हाथ डाला है? हां जी। अरे शुक्का भैया सुनो, सुनाओ, ये तो ऐसी नंग बना करेगी, ये तो बेहा है, हम थोड़ी बेहा हो जाएंगे। चलो जी बात जावाले पहले मंजर, ये ना करेंगे, चलो चलो बेहा बेहा। अब हमने तुम्हारे यहाँ कुछ मांगने ना आएंगे, और जो 10 लाख रुपए ले लिए ना, तू अपने ना कोटी का पंगा जुगाड़ कर लियो। मैं पुलिस वाले से जाऊंगा, और चल ले थोड़े, मेरी बनियान पकड़ी है तुमने, मेरी बनियान पकड़ी। ये धोती भी सुन ना, कैसे आया? कैसे आया? मैं इसलिए आया, मुझे सुनवाई आई आवाज की, हमारे घर का मजिस्ट्रेट है। कौन है तू? तू कौन है? राय इनकी जवान बंद करवा लो। जवान मैं तो इसको थाने ले जाऊंगा, तुझे पकड़ के मेरी बीवी की इज्जत पे हाथ डाला। मेरी इज्जत पे हाथ डाला तुमने? मेरे ना होते हुए बेचारी के बिलाज पे कोशिश की इज्जत लूटने की, है ना? कुकी ना की? हाँ जी। हाँ तो चलो थाने, चुप करो, थाने चल, चला थाने चल। और सुनो एक बात और, और ये और कहूंगी पुलिस में जाके कि इज्जत लूटते वक्त ये और कह रहा था, कैसा फील हो रहा है? और सुन, हमारे घर के मामले में अगर तू बोलने आया ना, देखा मैंने कभी नहीं बोला, ठाणी को भी नहीं बोला। चले अंदर, चलो।